आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? इसका तो एक ही जवाब है, डॉक्टर या इंजीनियर, जो कि सालों से चलता आ रहा है। हर एक बच्चे और पेरेंट्स की लिस्ट में एक नाम तो होता ही है, डॉक्टर। वो बात अलग है कि आजकल के बच्चे ज़्यादातर यूट्यूबर बनना चाहते हैं, यूट्यूब की तरफ भागते हैं। पर अगर आपको मेडिकल फील्ड में जाना है तो आपको एक कोर्स करना पड़ता है, MBBS, और ये कोर्स कुछ 5 से 5.5 साल के बीच का होता है। अगर आप इस कोर्स को कर लेते हैं तो आप सर्टिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर कहलाते हैं। क्या आपको इस कोर्स में जो होने वाली डिग्री MBBS है, इसकी फुल फॉर्म पता है? वो बोलोगे हाँ हमें पता है, इसकी फुल फॉर्म बैचलर ऑफ मेडिसिन बैचलर ऑफ सर्जरी है। लेकिन अगर हम इसकी शॉर्ट फॉर्म करते तो ये BMBS बनता है, ना कि MBBS। तो ऐसा नहीं है कि M और B को इधर उधर करके उसे एडजस्ट कर दिया गया है, बल्कि MBBS की असल फुल फॉर्म तो कुछ और ही है। MBBS की असल फुल फॉर्म मेडिसिना बैकलोरियस बैकलोरियस चिरुर्जेई है। ये लैटिन भाषा में है, इसलिए कुछ इस तरह से साउंड कर रही है। इसका मतलब है बैचलर ऑफ मेडिसिन मतलब मेडिसिना बैकलोरियस, बैचलर ऑफ सर्जरी मीन्स बैकलोरियस चिरुर्जेई। यहाँ पर मेडिसिने का मतलब मेडिसिन है और चिरुर्जेई का मतलब चीरफाड़ यानी कि सर्जरी। इसीलिए इसकी असल फुल फॉर्म मेडिसिना बैकलोरियस चिरुर्जेई, और इसके लिए इंडिया में द नेशनल एजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट होता है, मतलब NET होता है, जिसके अंदर हर साल 12 से 15 लाख बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। और अगर आप MBBS कर रहे हैं तो इसमें आपको मेडिसिन और सर्जरी दोनों का ही एक्सपीरियंस दिया जाता है। अब भूलना मत, इसकी असल फुल फॉर्म मेडिसिना बैकलोरियस बैकलोरियस चिरुर्जेई है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और 1 महीने के अंदर 10K तक पहुंचा दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कर बताएं और जम के शेयर करें।